एप्पल की इस साल की लॉन्च इवेंट हो चुकी है और एप्पल ने यहाँ पर चार चार आईफोन्स को लॉन्च किया है। सबसे पहला है आईफोन 12 मिनी, दूसरा है आईफोन 12, तीसरा है आईफोन 12 प्रो और हाई एंड वेरिएंट है आईफोन 12 प्रो मैक्स। चारों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जानते हैं कि इसकी इंडियन प्राइसिंग जो है वो क्या है, इसके अंदर आपको क्या कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं और इवेंचुअली क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 की, तो इन दोनों के अंदर आपको एक एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगी जो कि आपको एक ओल्डर आईफोन जैसी फील दे देगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रो वेरिएंट्स की, तो प्रो वेरिएंट्स जो है उसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको काफी प्रीमियम इन हैंड फील देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन काफी सिमिलर है आईफोन 11 सीरीज जैसी ही, यहाँ पर ज्यादा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्ट कर थे कि जो हमको नॉच देखने को मिलती है 11 सीरीज के अंदर, वो हमको कम देखने को मिल जाएगी 12 सीरीज के अंदर, लेकिन ये भी कम नहीं की गई है। लेकिन एक अच्छी बात जरूर है, चारों ही वेरिएंट्स के अंदर हमको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये मेरे हिसाब से काफी कमाल का अपग्रेड किया हुआ है चारों ही वेरिएंट्स के अंदर। उसके अलावा एप्पल ने पार्टनरशिप की कॉर्निंग के साथ में और एक अलग ही प्रकार का प्रोटेक्शन लेयर बनाया है, जो कि बेसिकली बनाया है सिरेमिक और ग्लास के मिक्सचर से। और यहां पे एप्पल बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फोन के साथ में। तो ये मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा अप्रोच है स्क्रीन प्रोटेक्शन को लेके। अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 12 मिनी की। तो आईफोन 12 मिनी बेसिकली एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आता है, जहां पे जो डिस्प्ले साइज है वो सिर्फ 5.4 इंचेस का है। तो जिन लोग को कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आते हैं, उन लोग के लिए जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो की। तो इन दोनों के अंदर आपको जो स्क्रीन साइज देखने को मिलेगी वो नॉर्मल देखने को मिल जाएगी, मतलब कि 6.1 इंचेस का ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं और हाई वेरिएंट प्रो मैक्स जाता है 6.7 इंच का। तो ये जो है वो काफी बड़ा स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनल्स की और स्टार्ट करते हैं चिपसेट से। तो सभी आईफोन्स के अंदर आपको लेटेस्ट A14 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है एप्पल की खुद की, जो कि बेसिकली हमको सबसे पहले देखने को मिली थी आईपैड एयर के अंदर, इसी महीने के अंदर लॉन्च हुआ है। और ये जो प्रोसेसर है वो बेसिकली बना है 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोसेसर है जो कि बनाया गया है 5 नैनोमीटर के ऊपर। ये बेसिकली एक हेक्साकोर सेटअप के साथ में आता है जो कि परफॉर्म कर सकता है 11 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, जो कि मेरे हिसाब से काफी कमाल की बात है। और ये जो पर्टिकुलर चिप है वो बेसिकली आती है 5G कनेक्टिविटी के साथ में, जिससे कि आपके जो iPhones है उसको ये फ्यूचर प्रूफ बना देता है। और अगर बात करें स्टोरेज की, तो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 जो वेरिएंट्स है वो स्टार्ट होते हैं 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ में और जाते हैं 256GB तक। और अगर हम बात करते हैं प्रो वेरिएंट्स की, तो प्रो वेरिएंट स्टार्ट होते हैं 128GB स्टोरेज के साथ में और जाते हैं 512GB तक। बाकी अगर हम बात करें रैम की, तो रैम के बारे में एप्पल ने कुछ भी नहीं बोला अपने लॉन्च इवेंट के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि 4GB और 6GB रैम वेरिएंट्स होंगे आईफोन 12 सीरीज के अंदर। बाकी जो सभी आईफोन्स है वो बेसिकली आएंगे iOS 14 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर आपको काफी टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरास की। तो स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 से। तो इन दोनों के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां जो प्राइमरी सेंसर है वो है 12 मेगापिक्सल का, जो कि बेसिकली आता है f1.6 एपर्चर के साथ में। तो यहां पे f1.6 है, उसकी वजह से जो सेंसर होगा उसके अंदर काफी ज्यादा लाइट जाएगी, काफी ज्यादा लाइट जाने की वजह से जो आपको फोटोज देखने को मिलेगी वो काफी ब्राइट देखने को मिल जाएगी लो लाइटिंग कंडीशंस के अंदर भी। तो आपको जो फोटोज की क्वालिटी देखने को मिलेगी वो काफी बेटर देखने को मिल जाएगी आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 के अंदर। बाकी सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि यहाँ पे 120 डिग्री तक वाइड एंगल ले सकता है f2.4 एपर्चर के साथ में। और ये जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है वो बेसिकली सपोर्ट करता है स्मार्ट HDR3 और OIS के साथ में ही आता है, मतलब कि आपको जो वीडियो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और ये जो दो सेंसर्स है वो बेसिकली कैप्चर कर सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps तक 5x डिजिटल जूम के साथ में, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं प्रो वेरिएंट्स की, तो आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर हमको एक और सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जूम की, तो आईफोन 12 प्रो के अंदर ये जूम कर सकता है 4x ऑप्टिकल जूम और जो प्रो मैक्स वेरिएंट है उसके अंदर आपको 5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको लाइडर सेंसर भी देखने को मिलता है एडिशनली, जो कि बेसिकली काम में आता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो AR एप्लीकेशंस होंगी उसके अंदर ये काफी ज्यादा काम में आने वाला है। और ये जो दो स्मार्टफोन्स है प्रो वेरिएंट्स वाले वो बेसिकली आते हैं ड्यूअल OIS के सपोर्ट के साथ में, मतलब कि जो वीडियो स्टेबिलिटी है वो काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी प्रो वेरिएंट्स के अंदर। बाकी इस बार के आईफोन 12 सीरीज के अंदर सभी आईफोन्स के अंदर आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक और अच्छी बात है आईफोन सीरीज के अंदर। लेकिन एक
सैड बात जरूर है कि इस बार 12 सीरीज के अंदर आपको कोई भी चार्जिंग एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा बॉक्स के अंदर। अब रीजन कंपनी ने यह दिया है कि हमारे एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप को उठाया गया है, लेकिन हम सबको पता है रियल रीजन क्या है, पैसा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपनी को पैसा कमाना है, इसलिए आपसे ये लोग अलग चार्ज करेंगे अगर आपको बैटरी एडेप्टर भी चाहिए तो। बाकी आपको टाइप सी टू लाइटनिंग केबल कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर ही। तो यहाँ पे एप्पल ने हमारे ऊपर कुछ रहम की है, जिससे कि आप किसी भी चार्जिंग एडेप्टर की मदद से आपका आईफोन 12 को चार्ज कर पाएंगे और आप फास्ट चार्जिंग को भी इनेबल कर सकते हो इसकी मदद से। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो सबसे पहले बात करें अगर आईफोन 12 मिनी की, तो आईफोन 12 मिनी की स्टार्टिंग प्राइस है 69,000, बाकी आईफोन 12 की स्टार्टिंग प्राइस है 79,000। अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 प्रो की, तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,19,000 से और टॉप एंड वेरिएंट आईफोन 12 प्रो मैक्स जाता है 1,29,000 से। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आईफोन है उसके अंदर मुझे कुछ मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिला अगर हम कंपेयर करते हैं 11 सीरीज के साथ में। तो अगर आपके पास 11 सीरीज का आईफोन है तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास 10 है या फिर 10 से लोअर वेरिएंट है तो आप इसको एक अपग्रेड की तरह देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो आईफोन 12 और 12 प्रो दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे 30 अक्टूबर से और आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 प्रो मैक्स दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे 6 नवंबर से। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप इन डेट के ऊपर इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको जो स्मार्टफोन है वो कैसा लगा और क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो या नहीं। दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।